गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। आज दिन है संडे का, तो मैं सोच रहा था, अरे गाड़ी की चाबी दे रहे हैं। हाँ, दिन है संडे का, तो मैं हम लोग सोच रहे थे चलो एक लंच और एक छोटा सा ट्रिप। अरे यार ये तो नहीं किया। हाँ तो लंच कर लेते हैं और एक छोटा सा कहीं घूमने चलते हैं, देखते हैं। तो उसके चक्कर में अभी निकल रहे हैं, टाइम तो दोपहर का टाइम ही हो गया है। पहले बंद कर लेते हैं भाई। ओके सर, टाइम हो गया दोपहर का, अभी निकल चल रहा है हम लोग लंच वंच करने के लिए। तो चलो आगे जाते हैं, गाड़ी में जाके आपसे बात करते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे लंच करने का प्लान है, क्या करने का है। अंधेरा है, इग्नोर मारी, ठीक है। अच्छा मारी मतलब करते हैं इन कनाडा। तो चलो ये देखो मेरा यहाँ से ई उड़ गया भाई। चलो बैठते हैं, तो मेरा दोस्त भी जाएगा उस वाले मस्त वाले स्पोर्ट्स पे। तो गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं आगे। चलो रेडी। चलो सीधा शेरे पंजाब। हाँ, चलो निक यू रेडी? चलो बैठ जाओ। चलो तू तो फुल एकदम शादी वाला ड्रेस में आया भाई। शादी वाला ड्रेस है? गर्मी का कपड़ा निकाले, गर्मी का कपड़ा निकाले हो? अरे शाबाश। चलो मैप पे डालते हैं शेरे पंजाब, ठीक है। चलो निकलते हैं, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। आप लोगों को शायद मैंने ये रोड बताया नहीं, तो हमारा ये जो लद्दाख वाला रोड था ना, अभी अच्छा रोड बन गया। देखो अभी इसमें ऑफ रोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इसको बस अभी बस एक महीना जाने दो, काट के ना खोद के ना सिर्फ आदमी माँ के गार देते, इतना खोद देता है। आगे और भी है। चलो यहाँ से निकल जाएंगे, अभी चलेंगे हम लोग। हमारा जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन है आज बताया भी नहीं मुझे, मैं उसको फॉलो करूँगा। और पहले तो कहीं पे लंच करेंगे किसी ढाबा ढाबा शावा में, तो वहाँ से फिर जाके निकलेंगे हम लोग कहीं घूमने, देखते हैं क्या आता है। तो मैंने जो अपना पिछले अगर कभी नहीं वाला ब्लॉग्स अगर आपने देखा होगा, तो उसमें जो थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स मैंने डाले हैं। तो अभी जस्ट ड्रोन नया नया खरीदा है, तो मुझे उतना चलाना वगैरह आता है नहीं, तो अभी सीख रहे हूँ। तो उस ड्रोन को भी ले लिए हैं, देखते हैं क्या होता है। उड़ा अगर उड़ाने की जगह मिलती है तो उड़ाएंगे, नहीं तो नहीं उड़ाएंगे। उसका थोड़ा सा क्रैक किया है मैंने डिस्टेंस, सॉरी जो हाइट है 15 मीटर वाला हाइट को मैंने थोड़ा सा क्रैक किया है, 120 तक रखा है अभी फिलहाल। तो देखते हैं अगर अच्छा कोई जगह मिलता है, कुछ दिखाने लायक होता है, तो आज आपको ड्रोन शॉट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जगह जो हम जा रहे हैं, ये आपका पड़ता है बैंगलोर होस्कोटे हाईवे जो है, होस्कोटे हाईवे या बैंगलोर कोलार हाईवे, वहाँ पड़ता है। तो अगर आप व्हाइटफील्ड साइड से हो तो आपको बहुत जल्दी आप हाईवे पे हिट कर जाओगे, नहीं तो आप अगर सिटी के दूसरे किसी साइड से आ रहे हो तो आपको व्हाइटफील्ड साइड आना है और होस्कोटे हाईवे पे आना है, होस्कोटे कोलार साइड हाईवे पे आना है। तो आप जैसे हम व्हाइटफील्ड में रहते हैं, तो हमको हम 10 मिनट में पहुँच जाते हैं, हिट कर जाते हैं हाईवे को। तो वैसे हिसाब से आप प्लान कर सकते हो जहाँ जा रहे हैं। आप जो ढाबा है वो ज़्यादा दूर है नहीं, और जो हम उसके बाद जहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं अब तक डिसाइड हुआ नहीं, इसलिए मैं नाम बता नहीं रहा हूँ। वहाँ जाएंगे तो फिर आपको नाम बता दूंगा उस जगह का। तो वो भी अराउंड 45-50 किलोमीटर्स के रेंज में ही है। तो अगर आप डे ट्रिप कुछ प्लान करना चाहते हो बैंगलोर के आसपास, तो आपके लिए ये सही रहेगा। कहीं आपको नाइट स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जा सकते हो आराम से, खा पी के घूम फिर के वापस शाम तक वापस आ सकते हो। तो ऐसा है। तो अभी मैं ऑलमोस्ट होस्कोटे जो हाईवे है वो जिसको ओल्ड मद्रास रोड भी बोलते हैं, वो हिट करने वाला हूँ अराउंड 500 मीटर्स में। उसको हिट करके हमको जाना है टूवर्ड्स राइट, तो होस्कोटे हाईवे आ जाएगा, टोल गेट क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। तो ये आ गया आपका होस्कोटे हाईवे। इसमें मेरा रीडर कभी कभार तो काम नहीं करता है। लेट्स सी।
पता नहीं कभी कभार हिट करता है कभी कभार नहीं करता है मेरा। चलो एनीवेज, बाप रे हाईवे पे बहुत भीड़ है भाई आज, ये देखो सब लोग घूमने गए हमारे जैसे। तो यहाँ से आई थिंक 10-15 किलोमीटर के रेंज में ही वो प्लेस आ जाएगा जो जहाँ पे ढाबा है वगैरह, तो वहाँ तक चलते हैं। ये रोड होस्कुटे वाला जंक्शन का थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है, फिर आप लेके उसके बाद तो रोड खुला हुआ रोड मिल जाएगा आपको। ये देखो पूरा हॉच पॉच यहाँ पे, हॉच पॉच। ये देखो पहुंच गए सर जी शेरे पंजाब फैमिली ढाबा, उस साइड पार्किंग कर लेते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, चलो पहुंच गए जी शेरे पंजाब ढाबा। रात के टाइम पे तो बाहर भी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, अभी यहाँ पे चेयर कुर्सियाँ लगा देते हैं और फिर लोग बैठते हैं। अभी शायद अंदर जाके बैठना पड़ेगा, भीड़ काफ़ी होता है यहाँ पे। चारपाई में बैठना है क्या? चारपाई भाई, चारपाई में कंफर्टेबल आप है ना बेटा? क्या खाना है भाई? देखो मेनू दिखा रहा हूँ। चलो लंच हो गया, बैठो बच्चे लोग, निकलते हैं अभी यहाँ से, कुछ एक घंटे का डिस्टेंस। अरे यार हो गया अभी, चलो निकलते हैं यहाँ से। डिस्टेंस कितना है यहाँ से? 1 घंटे का है, 3 बज रहा है अभी, 4 बजे तक शायद पहुँच जाएंगे वहाँ पे। गाड़ी स्टार्ट करके निकल चलते हैं अभी। ये ढाबा जो है ना यहाँ पे वेज खाना बहुत अच्छा है, नॉन वेज ठीक है, ठीक ठाक है। तो आप अगर आप उतने नॉन वेज के शौकीन हो तो शायद आपके लिए बेस्ट होगा नहीं, बट वेज अगर खाओगे तो वेज खाना काफी अच्छा है ना। वेज वाज टेस्टी ओनली ना, ठीक ही था क्या? कुर। तो यहाँ से जो हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है कैलाश गिरी, कुछ माउंटेन या हिल्स टाइप का कुछ है। डिस्टेंस अभी शेरे पंजाब ढाबा से है 47 किलोमीटर, 1 घंटे 8 मिनट दिखा रही है गूगल माता। इसी रोड को पकड़ के जाना है, ये पूरा टोल रोड है आपको, जो कोलार साइड जाता है वो रोड है, होस्कुटे कोलार हाईवे बोलते हैं इसको, उस रोड पे है। तो यहाँ पे चलते जाना है, आगे जाके शायद कुछ डाइवर्सन है, लेफ्ट लेना पड़ेगा 6 किलोमीटर होता है, गूगल वही बता रही है। देखते हैं अंदर रोड कैसा रहता है, शायद सिंगल लेन रोड रहेगा या रोड की हालत अगर ख़राब रहती है तो वही बताऊँगा आपको। तो आप सब कुछ फैक्टर कर सकते हो अगर आप इधर आ रहे हो तो, कितना टाइम आपको लग रहा है नहीं लग रहा है। अच्छा संडे है तो इस हाईवे पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, गाड़ियाँ ज़्यादा रहती है, लोग अपने वीकेंड ड्राइव्स के लिए इस वाले हाईवे को यूज़ करते हैं, क्योंकि सिटी से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो तुरंत आप सिटी हाईवे को टच करते हो सिटी से, और फिर थोड़ा सा ड्राइव वाइव करके चाय वाय का नाश्ता वास्ता करके वापस जा सकते हो। इस तरह का एक डे ट्रिप आप जरूर प्लान कर सकते हो इस रोड पे। तो ये जो मैंने कहा था लेफ्ट वाला होस्कुटे हाईवे से, तो ये लेफ्ट लेके ये सिंगल लेन रोड जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा ही मिला, बट रोड अच्छा है, रोड अभी तक तो रोड अच्छा है। अभी जस्ट मैंने टच किया है, दोनों तरफ अगर देखोगे तो खेत खलिहान वगैरह इस टाइप का दिखेगा आपको, बट रोड अभी ठीक है। आई थिंक और तरफ से गाँव टाइप का जगह आएगा तो शायद रोड खराब हो सकता है, तो रोड अपडेट आपको देते रहेंगे हम लोग। चलो कंट्री साइड वाला रोड है, काफी कंट्री साइड गाँव
पता नहीं जगह वो क्या बोलते हैं गूगल में, तो कुछ तो है लिखा हो बट ठीक है। बट यार कंपेयर टू सिटी रोड्स, ये गांव के रोड भी काफी अच्छे दिख रहे हैं अभी अभी तक फिलहाल। ओहो तो ये हम कहाँ आ गए पता है, होसकोटे चिंतामणि रोड। इस साइड होसकोटे है, इस साइड चिंतामणि है। अच्छा अच्छा, तो ये तो काफी चौड़ा सा अच्छा सा रोड मिलेगा आपको अगर आप होसकोटे से आ रहे हो, होसकोटे साइड से आ रहे हो। अगर आप ढाबा में खाने वाले जा रहे हो तो आपको दूसरा एक डायवर्शन लेके आपको चिंतामणि रोड लेना है। तो चिंतामणि रोड पे हमको आगे बढ़ जाना है अभी, और यहाँ से 34 किलोमीटर बता रही है, तो रोड फिर तो ठीक ही रहेगा अभी। चिंतामणि तक रोड ऐसे ही रहेंगे, आपको सिंगल लेन रोड मिलेगा, डिवाइडर नहीं रहेगा, लेकिन रोड अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे गूगल दिखा रही हमें एक लेफ्ट, जो कि इस आगे जाके वहाँ पे पहाड़ वहाड़ दिख रहा था ना, तो वो मत पहाड़ नहीं, ये वो रॉक टाइप्स के हैं। हाँ ये हो गया आपका कैलाश गिरी, जो हम जहाँ जा रहे हैं ऊपर आप देख सकते हैं अभी। ये देखिए ऊपर कैलाश गिरी 4 किलोमीटर, चिंतामणि 5 किलोमीटर, मुरुगा मल्ला 15 किलोमीटर। फिर से रोड अभी ये टोल लिया था बीच में, 40 रुपीज का टोल बोथ साइड, अगर आप आना जाना करो 55 रुपीज। और लेकिन कैसे अजीब से टोल रोड थे, क्योंकि डिवाइडर वाइडर कुछ नहीं थे, रोड भी उतने खास अच्छे भी नहीं थे, ऐसे फालतू का। तो ये रोड जो है बिना टोल के रोड है, देखिए ये तो उससे बहुत ज़्यादा बेटर रोड है, मतलब थोड़ा सीनिक भी लग रहा है, थोड़ा फूल वूल लगे हुए हैं चारों तरफ। और ये आगे आपको दिख रहा है आई थिंक ये कैलाश गिरी वाला, देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ से, चलो आगे तो जा ही रहे हैं उसे देखेंगे। तो ये आपको ये कैलाश गिरी हिल्स है, गूगल फोटोज में जो दिखता है आई थिंक यही दिखता है। बड़ा है और खूबसूरत है भाई, है ना, ऊपर तक जाना है हमको आज। चलेगा ऊपर तो आगे, अब उतरेगा कैसे? ओ भाई ये तो बहुत बड़ा है भाई, प्लेटू डेकन प्लेटू पता नहीं भाई क्या है, बट जो भी है बहुत ज्यादा ही बड़ा है। इसमें लोग शायद ट्रैकिंग करके भी ऊपर जा सकते हो आप, लेकिन आई डोंट नो, हमारे पास ना टाइम है ना हम उसके लिए रेडी है, ट्रैकिंग तो भाई नहीं कर पाएंगे भाई। लेकिन ये एकदम फुटहिल्स तक पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया दिख रहा है यार कैलाश गिरी। तो यहाँ से एक मेरे को शायद लेफ्ट लेना है, ये देखो रे ये लेफ्ट साइड राइट साइड में आपका कैलाश गिरी हिल्स, फिर आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है। अभी आगे जाके 2.3 किलोमीटर्स में पूरा, ये रोड अच्छे नहीं है यार, रोड तो अच्छी नहीं है। तो चलो इस रोड पे थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलाता हूँ, छोटा सा सिंगल लेन टाइप रोड है, थोड़ा कच्चा वच्चा टूटा मोटा रोड। यहाँ से डिस्टेंस है 4.6 किलोमीटर, तो चलो यहाँ से, हाँ 4.6 किलोमीटर चलाना है इसमें। ये रास्ते हैं प्यार के, बैठ जो पीछे। रोड है भाई, रोड शायद बनने वाला है कुछ, जो भी है, लेकिन अभी का जो हालत है वो तो गंदा है भाई। नवंबर महीना है, नवंबर 2022, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है ये वाले। बट ये होपफुली स्ट्रेच ज़्यादा लंबा है नहीं, हमारे 3 किलोमीटर ही है यहाँ से, लेकिन ऐसे ही गंदे रोड होके आप मेरे को लगता है जाना पड़ेगा पूरा। हिल्स तो दिख रहे हैं, हिल्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में ही आपको अगर देख रहा होगा दूर, तो हिल्स है अभी वहीं पे जाना है आगे जाके, एक राइट है, राइट जाके फिर आई थिंक हिल के नीचे वहाँ पे पहुँच जाएंगे कहीं पे, पार्किंग एरिया वगैरह अगर होगा तो वहाँ पहुँचेंगे। वरना रोड तो लेकिन आई थिंक कुछ दिनों में अच्छा हो जाना चाहिए, इसको ठीक से टार रोड बना देंगे शायद, बट अभी के लिए तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो थोड़ा इसको दिमाग में रख के आना है कि
बट ठीक है, छोटे छोटे गाड़ियां भी आ सकती हैं इसमें, कोई इतना कुछ डेंजर वाला गंदा वाला रोड तो है नहीं पूरा, उसको ऑफ रोडिंग वाला जो रोड बोलते हैं वैसा रोड नहीं है, ठीक ठाक ही है, चलेगा। भाई ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ, रोड जो एंड का जो रोड है काफी नैरो रोड है, आप देख पा रहे होंगे दो गाड़ियां निकलने में दिक्कत हो रही है, रोड काफी खराब है भाई, काफी खराब रोड है। अभी ऊपर चढ़ाई भी चढ़ रहा हूँ, पता नहीं वीडियो में देख के को लग रहा है कि नहीं, तभी गाड़ी ऊपर तरह जा रही है, नीचे ऊपर से गाड़ी नीचे उतर भी रही है, और लोगों को मिनिमम सेंस नहीं है कि जो गाड़ी ऊपर तरफ जाती है उसको पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए, तो वो ऐसे ही आते हैं, तो थोड़ा सा देख के चलाऊँ क्योंकि टर्न्स में थोड़ा ब्लाइंड टर्न्स हैं और रोड काफ़ी खराब है भाई। अभी तो यहाँ पे बस भी आया था एक, तो हमने अच्छा जगह थोड़ा सा जगह था तो मैं साइड दे दिया, कुछ कुछ जगह पे ऐसे इस जगह पे अगर बस आया तो फिर मुश्किल है, बस तो बैक करने से रही और आप बैक करोगे तो आपको देख के थोड़ा करना पड़ेगा। अभी भी डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर बता रही है, फुट हिल्स या कुछ भी है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, पहली बार आ रहा हूँ तो जो जैसा मुझे दिखेगा मैं वैसा ही आपको रिव्यू दूंगा और आप उसको देख के ही अपना आना प्लान करना, बट इट्स ओके, इतना भी हॉरिबल कुछ नहीं है, ठीक ठाक ही है, चलेगा। ओ भाई उधर गाड़ी, ये रहा गाड़ी पार्क कर दिया, अभी होटल्स में आई थिंक यहाँ कोई टेंपल वेम्पल कुछ है, मंदिर वंदिर है, और हमको शायद चल के झील बहुत नीचे है, नहीं जा पाओगे, उन्हें नीचे टेंपल वेम्पल है, देखते हैं। मेरा दोस्त अभी 2 किलोमीटर दूर है। ओ माई गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा ही ऊँचा है भाई, चढ़ना है ना नो यू कैन ट्रैक। ओ भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है भाई, पता नहीं किधर से जाना है, वो आ जाए दोस्त तो उसको लेके निकलेंगे, चलो। ओ भाई यहाँ पे ना ये घुसते ही यहाँ पे एक गेट है, कुछ मंदिर वंदिर टाइप का दिखा रहा है, और यहाँ पे जो ट्रैकिंग दिखा रहा है वो शायद दूर उस वाले पहाड़ के लिए है, वो वाला पहाड़, भगवान। और ये हम तो इतना नहीं चढ़ पाएंगे भाई, तो ये यहाँ पे एक ये जो हिल है ना इसको देखना है हमको, इसको देखने के लिए शायद ये नीचे वाला जो रोड है ना वो नीचे वाला, रुक जाओ, ये वाला रोड पकड़ के जाना है, ये इजी लग रहा है, नहीं तो हमसे तो ना हो पाएगा। अरे ऑल्टो है कि क्या है भाई, इतना सारे लोग, हे भगवान। गाड़ी का तो एम्पल पार्किंग मिल जाएगा आपको यहाँ पे, गाड़ी पार्किंग का टेंशन नहीं है, टेंशन है ऊपर चढ़ना उतरना। चलो ट्रैक शुरू करते हैं दोस्त आते ही। भाई तो उन्हें ऊँचू भाई का थोड़ा काफी ऊँचा, अबे रुक जाओ उनको लेके चलते हैं, चलो रुक जाओ आ रहे थे उनको, तो ये टॉयलेट है ना उधर, थोड़ा टॉयलेट का रिव्यू दीजिए, बहुत स्मेली बहुत है, एंटीसेप्टिक बदबूदार ग्रीन बदबूदार टॉयलेट है भाई, मैडम बदबूदार टॉयलेट। चलो भाई प्रभु का नाम लेके ट्रैकिंग चालू करते हैं, कितना दूर है भाई ट्रैकिंग, 200 मीटर आगे बस 200 मीटर, इतना फिट तो ठीक है फिट ठीक है, जूता तो मैंने काफी अच्छा वाला पहना हुआ है चलो पत्थर वाला ट्रैक है भाई भाई तो जोश
हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? यहाँ तो मंदिर वंदिर भी है भाई, ऊपर भी मंदिर है। अच्छा चल, भाई ये तो बहुत बुरा है। उमंगस है भाई। भाई झूठ क्यों बोलता है, 200 मीटर कौन बोलता है बे? हाँ तो हाफ किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। ओ शिट, तो बहुत ऊंचा है। ओ शिट, ओ शिट, अबे बंदर आ रहा है। बंदर? ए मंकीज, बी केयरफुल। ये देखो कुल्फी, बंदर का आइसक्रीम खाता है। हाँ भाई सही चे। शायद पहुंच गए। ओह मेस्मराइजिंग व्यू है भाई ये तो, अरे जबरदस्त सही है। ये देखो क्या मैमथन ह्यूज भाई। शिट, यहाँ से आपको चल के ऊपर आना है। ये जगह आ गया, देखते हैं इसमें क्या है। और केस वेस भी है, बच्चे बच्चे चिल्ला रहे हैं वहां से। ओह माय गॉड, यहाँ पे जूते वूते निकालना पड़ेगा, टेंपल जाना है ना। चलो जूते खोल लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ये हाँ हिल्स मिल जाता था, वहाँ अदर साइड केव और टेंपल वगैरह है, तो उसके लिए आपको जूता वहाँ खोलना पड़ता है, 2 रुपया पर पैर। और फिर इसको इस पत्थर वाले रोड से चलते हुए आगे निकल जाना है। हाँ इधर केव का एंट्री है शायद, इधर है एंट्री। चलो हाँ अब ठीक है। ओ वाओ, ये क्या है? हॉल है, पत्थर के बीच में इतना बड़ा हॉल। अरे जबरदस्त सही है भाई। ये अंदर 3 छोटे छोटे मंदिर हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैमरा वीडियो कैमरा फोटो वगैरह करना मना है, तो इसलिए अंदर नहीं कर पाए। यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा दिखा दिया मैंने, बाहर से नहीं दिखाना चाहिए फिर भी। तो ये पूरा इस वाले पहाड़ के अंदर काट के अंदर होल करके हॉल सा बना हुआ है, मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। सिंपल सा मंदिर है, कुछ उतना खास है नहीं। तो यही है, वहाँ से अंदर घुसते हो और यहाँ से अंदर चल चल के चल चल के इससे बाहर, फिर आपको दिख जाता है ये, ठीक है। बहुत लंबा ऊंचा बोलते हैं भाई इसको, ऊंचा क्या जबरदस्त है भाई। ज़्यादा बस खाली हल्का सा। Thank you.
चलो भाई टाइम हो गया है 5:24 ऑलमोस्ट 5:30, तो अभी यहाँ पे भीड़ भी कम हो चुकी है। अगर आपको अच्छे ड्रोन शॉट्स दिखे होंगे तो थोड़ा सा, हाँ चलो फोटो खींचते हैं। स्माइल, मुझे ऐसा उल्लू बनाने में अच्छा लगता है, जब मैं वीडियो करते रहता हूँ लोग ऐसे स्टैचू ऐसे खड़े रहते हैं। ये बहुत स्टीप है भाई, भाई यहाँ से चल के उतरना तो ठीक है, इजी हो जाता है, बट भाई चढ़ने में तो मेरी तो फटी थी, बाकियों का नहीं पता, मेरी तो फटी थी अभी हल्के से। तो चलो शायद यहाँ पे कुछ है नहीं खास दिखाने लायक, लेकिन अभी भी कुछ लोग खड़े हैं फोटो वोटो ले रहे हैं, वहाँ से वैली दिख जाता है वहाँ दूर, तो फिर वहाँ से फोटो वोटो निकालने के लिए मस्त बढ़िया है। देखो फोटो वोटो निकाल रहे हैं अभी भी लोग। चलो यहाँ से निकलते हैं, पार्किंग जाते हैं, चाय पीना है तो चाय पी के जाएंगे, हाँ है ना, तो चाय पी के जाएंगे फिर यहाँ से निकल जाएंगे। अरे भाई वो टोल कहाँ लिया दे, 40 रुपया 45 रुपया, क्या घटिया वाला सिंगल लेन रोड था, फालतू का एक टोल है वहाँ पे, बेकार का, कोई डिवाइडर भी नहीं था उस टोल में पता है। चलो यहाँ से निकल चलते हैं, नीचे उतर जाते हैं, पार्किंग वार्किंग सभी इधर है, चलो बैठ जाते हैं, डेढ़ घंटा के करीबन लगेगा घर पहुँचने में। सर विदाउट शुगर टी होगा, विदाउट शुगर लेमन टी, नॉर्मल टी, नॉर्मल टी विदाउट शुगर मिलेगा, बिना शुगर के भी दूंगा, आपको लेकर दूंगा, हाँ बिना शुगर के दे दीजिए। ओ भाई क्या खूबसूरत ही लग रहा है भाई, हाँ खूबसूरत है, टी 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 बिना चीनी के। पहुंच गए अभी होसकोटे हाईवे वापस, अगर आप देख पाओगे यहाँ पे तो होसकोटे हाईवे टोल गेट, सॉरी होसकोटे टोल गेट पहुंच चुके हैं। यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है हमारा, यहाँ से 7.5 किलोमीटर ही है। बहुत भयानक ट्रैफिक था आज यार इस रोड पे, तो अभी कुछ करने का नहीं है यहाँ पे। अगर देखोगे डीजल की बत्ती जल चुकी है, अभी घर जाते टाइम डीजल वीजल डाल के गाड़ी वाड़ी लोड करके पहुँच जाएंगे। तो चलो इस वाले एपिसोड को और इस वाले छोटा सा एक दिन के ट्रिप को यहीं पर रखता हूँ। अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो क्या करना होता है, एक छोटा सा लाइक देना होता है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो सी यू अगेन, कहीं नेक्स्ट कहीं जाते हैं तो फिर उसका ब्लॉग आएगा। चलो बाय, टेक केयर।